हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हाँ मैं बात करने वाला हूँ इस धनिया के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरी भरी और खूब भनी हुई धनिया हमारी, तो इसके लिए आपको ज़्यादा किसी स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इस तरह से हमने ये फ्लावर पॉट्स जो हमारे हैं इनके अंदर ही हमने इसको लगाया हुआ है। हमने इसको साइड में से लगाया हुआ था, ये इतनी ज़्यादा घनी है कि वो बीच तक आ रही है। साइड में से जब हम धनिया लगाएं तो बस इतना ध्यान रखना है कि बीच में हमको पानी देने के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। पानी देने के लिए हमने इसमें ऐसा किया हुआ है, ये हमने मिट्टी के दिए लिए हुए हैं। देखिए, दिए को काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर दिया है घर वालों ने, तो ये डेकोरेटेड दिए हमने यहाँ पर बीच में रखे हुए हैं ताकि पानी का जो फ्लो होता है वो इन पर चला जाएगा, तो हमारी धनिया की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल डैमेज नहीं होगी। हाँ ठीक है, साथ ही साथ में ये हमने जो अमरूद के पॉट में लगाया हुआ है तो इसकी जड़ें भी डैमेज नहीं होती है, तो दोनों को ऐसा कोई ख़ास इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस की अभी ज़रूरत होती नहीं है कि अगर हम धनिया लगाएंगे तो अमरूद नहीं बन पाएंगे। अमरूद में भी आप देख सकते हैं, तो इसमें भी ये देखिए फ्रूटिंग हो रही है, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। और अभी जो मौसम है काफ़ी अनुकूल है, आपके पास अगर देसी वाले धनिया का बीज है तो उसके लिए ये मौसम सबसे अच्छा है। ये हमने देसी वाला धनिया लगाया हुआ है, और अगर आप किसी दूसरे मौसम में धनिया का बीज लगाते हैं तो उस मौसम के हिसाब से आपको बीज लेने होंगे। बस धनिया में ये है कि आप ज़्यादा गर्मी में लगाते हैं तो उसे ज़्यादा तेज़ धूप से बचाना होगा, इसके अलावा वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पानी वगैरह आपको मेंटेन एज इट इज़ वैसे ही करना है। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ ताकि धनिया के लिए हम लोग अलग से जो जगह देते हैं वो जगह देखो, टेरेस गार्डनर के लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह भी मायने रखती है। अगर आपके टेरेस पे जगह कम है तो आप इस तरह से, ये हमारे गुलदाउदी के प्लांट लाए थे हम नर्सरी से, इसमें लगभग जो फ्लावरिंग है वो सूख चुके थे फ्लावर, तो हमने फ्लावरिंग को कट कर दिया है। नए फ्लावर्स के लिए आने के लिए शूट्स तैयार हैं, तो साथ में ये नए फ्लावर्स भी आएंगे और नीचे हम धनिया भी लेते रहेंगे। तो इस तरह की धनिया, अगर धनिया लगानी है तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी कैसे बनानी है वो हमने आपको वीडियो पहले इसमें डाला हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ये धनिया आप जब भी चाहें थोड़ी बहुत लेते रहें, तोड़ते रहें, फिर ख़त्म हो जाए तो इसमें लगा दें, इसमें ख़त्म हो जाए तो उसमें लगा दें, अल्टरनेट तरीके से डे बाय डे हम इसमें लगाते रहते हैं। पहले टमाटर में तो अभी ये यूज़ कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, आप लाइक करते हैं तो हमारा मन होता है और भी वीडियोस हम इस तरह के बनाएं जो कि आप तक पहुँचे। तो बाज़ार में आने वाली जो हार्मफुल सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उससे बचने का प्रयास ये छोटा सा है जिसको हम आम रूप से आप भी कर सकते हैं, और ये होना ही चाहिए। अक्सर अगर आप घर पे थोड़ी सी भी जगह है तो करके देखिए, अच्छा लगेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा।